आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पे एक प्रोजेक्ट, एक लूपिंग प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सर वो लूपिंग आपको देंगे। सर आपने जो लास्ट लूप वाली क्लास हुई थी, हेलो सर, जो लास्ट लूप वाली क्लास हुई थी आपने उसका कोड नहीं भेजा था, फाइल नहीं भेजी थी? मैं भेज दूंगा। देखिए मेरे पास एक हॉरिजॉन्टली डाटा है जिसको वर्टिकली में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे नेम है और यहाँ पे डेट्स है। नेम में यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, छोटा डेटा पे इफेक्ट जल्दी आता है ना सर, इसलिए कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर दूं। मेरे पास जो डेटा आपके सामने दिख रहा है डेटा इस तरह से, बट मुझे जो डेटा चाहिए एनालिसिस करने के लिए वो कुछ इस तरह का डेटा चाहिए कि यहाँ पे नेम हो, यहाँ पे डेट हो और यहाँ पे हमारा सेल्स हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि जनरली हम इसको कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहे हैं, फिर वापस हम डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इसमें हम इसको पेस्ट कर रहे हैं और फिर हम इसको कॉपी करके फिर इसको पेस्ट। यही प्रोसीजर मुझे 3 महीने का डेटा है तो 90 बार और ज्यादा टाइम का डेटा है तो और ज्यादा बार करना पड़ रहा है। इस चीज को हम ऑटोमेटेड करना चाहते हैं, समझ गया। चलिए इसके लिए हम एक माइक्रो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा दिया हमने ब्रैकेट एंड ओपन क्लोज। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू चले टू से क्यों, क्योंकि कॉलम दो कॉलम से हमारा डेटा है और एफ तक चले तो फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज एक्स एफ डी वन डॉट एंड एक्स एल एस अप डॉट ऑफसेट 1, माफ कीजिएगा डॉट कॉलन होगा इसमें, डॉट कॉलन। तो यहाँ पे हम एक्सेल अप क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे हम गलती हो गई बार बार एक्सेल अप करते, टू लेफ्ट होगा ना, ठीक है ना, क्यों लूप चलेगा इसके कितना डेट होगा उसके हिसाब से चलेगा। अब उसके बाद मुझे इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, ये हमारा फिक्स एरिया है, अगर फिक्स नहीं है तो सिलेक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, A2 से A8। तो मैंने यहां पे दिया रेंज A2 से A8 dot and dot copy range ये 65,000 dot and xls up dot offset 1,0 dot paste special, राइट। ये क्या होगा, इसको कॉपी करके यहां पे इसको पेस्ट, राइट। अब मैं अगेन फॉलो करूं, अब यहां पे हमारा जीरो के जगह पे वन होगा डॉट सेलेक्ट। अच्छा इसलिए
यहां से ऊपर जाएगा और अगले सेल में जाएगा, और फिर मुझे ये पूरा सेलेक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा रेंज, नहीं एक्टिव सेल होगा ना, हाँ एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल से एंड एक्सलेस आ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्स 1, i डॉट वैल्यू। तो i हमारा 2 है और रो हमारा 1 है, यहां से पहले यहां पे देखिए पहले रो का दूसरा कॉलम का डेटा उठाएगा और इस पूरे एरिया पे पेस्ट कर देगा, मतलब इस डेट को यहां डाल देगा, ठीक है। अब मुझे इसको उठा के यहां कॉपी पेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे हाँ रेंज का स्टार्टिंग है हमारा सेल्स 1, 2 होगा, 2 और आई कॉलम, एंड क्या है सेल्स 8 कॉलम एंड 2 रो डॉट कॉपी, ठीक है। एक से होल्ड कीजिएगा, कॉपी हो गया। फिर हम यहां पे करते हैं रेंज, और हमारा एक कौन सा सीट है, ये हमारा दूसरा सेल है ना, और आपके पास अगर डिफाइन ना हो तो आप ऑटोमेशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट ऑफ यहां पे 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अब इसी प्रोसेस को वो फॉलो करेगा, देखे सर डेट की जगह पे डेट और वैल्यू की जगह पे वैल्यू डाल दिया, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं सर, एनी डाउट्स नहीं। इसी को आप अलग सीट पे करोगे तो अलग सीट पे चला जाएगा, इसी को आप लार्ज डेटा पे करोगे तो लार्ज डेटा का भी काम हो जाएगा, समझ गए। तो इसका यूज होता है डेटा को अरेंज करने के लिए, अच्छा, और अपने हिसाब से किस तरह से इसको मूवमेंट करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया। यस सर, कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। ओके, ये हमारा पहला पहला प्रोजेक्ट का एग्जांपल था। अब दूसरा प्रोजेक्ट की एग्जांपल क्या है, रिकंसिलेशन इसको हम बोलते हैं। मेरे पास दो डेटा है, एक डेटा है बैंक का और दूसरा डेटा है टैली का। BRS करते हैं क्या सर? हाँ, रिकंसिलेशन हुआ, मतलब कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो बैंक का डेटा है उसमें अकाउंट नंबर और यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि अमाउंट है, या वो भी डेटा हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पे छोटा डेटा रख लाऊ, जरा से कॉम्प्लिकेशन आप लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए, ठीक है। टाइम में मर मर के ये भी किए हैं सर, क्या
एक टाइम में बहुत स्ट्रगल करके किए हैं ये सब बीआरएस किए हैं। जब जब पुनीत की उम्र के थे तो दो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो बैंक में मेरा कुछ इस तरह का डेटा डला हुआ है, पर टैली में क्या है कि मेरे पास जो डेटा डला हुआ है नंबर तो है, लेकिन जैसे कि HDFC 1 उसके सामने अकाउंट का नेम डला हुआ है या SBI 8, ठीक है ना, IDBI 17 या 17 यहाँ पे 20-U को, तो कोई पैटर्न नहीं है, समझ गए, या कहीं पे डैश लगा है तो कहीं पे स्लैश लगा है, कहीं पे डॉट लगा है और कहीं पे कुछ लगा ही नहीं है। अब इन दोनों डेटा को आपस में मैच करना है, कैसे करेंगे साइन और उसको कीजिए। ठीक है सर, ये फाइल मैं आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, वो लास्ट वाली फाइल ही भेज देना साथ में। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। और दूसरी चीज है, एक इसका सॉल्यूशन आज रात को मैं 10 बजे पढ़ाऊंगा। किस चीज का सर? इसका सॉल्यूशन आज रात को 10 बजे पढ़ाऊंगा। किसका? इसका? हाँ, शाम में, रात में। ठीक है, तो आज अगर आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते तो रात को 10 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा इसकी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, लिंक भेज दीजिएगा सर। ठीक, मैं इसकी फाइल आप लोगों को अभी भेज रहा हूं। ठीक है सर। सॉरी सर, वो जो आपको बोले थे वो वाला वीडियो भेजिए ना जरा। कौन सा चीज सर? वीडियो जो एक्सेल में जो इंसर्ट करके जो वो सब होता है ना आपका चार्ट बार डायग्राम वगैरह वो सब का। वो आप बोले थे कि उसका वीडियो भेजेंगे। ठीक है, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। ढूंढ के निकालने पड़ेगा, मेरे पास तक बहुत सारे वीडियोज है ना, निकाल के भेजता हूँ सर। लास्ट वाली एक्सेल